जो सबसे सेफेस्ट सीट जो बोलते थे उसमें भी आके रोड शो करना पड़ रहा है, तो हम क्या कहते थे बार बार, चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे। तो हालत बहुत बुरी है भाजपा, एनडीए खत्म है, हमने पहले भी बोला है। सुन भाई सुन, देश की धुन, इंडिया गठबंधन इज कमिंग ऑन 4th जून। हमने तो लगभग 100 से ज़्यादा रैलियां कर ली, 107 पीएम ने कितना किया, और लगभग 125 रैली हम विधानसभा में किए थे, एक दिन में 19 रैली। हम लंगड़े पैर में भी उनसे ज़्यादा तेज दौड़ लगे, बुला के दिखाई। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से धुआंधार प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। एक तरफ भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सभी स्टार प्रचारक बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव भी लगातार चुनावी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ साफ कहा है कि बीजेपी वाले हार देखकर अब घबरा गए हैं, भाजपा के पास कुछ नहीं बचा है और वो लोग पूरी तरीके से चुनावी मैदान में घुटने टेक दिए हैं। जरा सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ बोल रहे हैं। वो जानकारी नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा तो उसमें पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी 12 तारीख को रोड शो करेंगे पटना में, बहुत अच्छा है, 5 साल बाद फिर आ रहे हैं। और पटना तो वो लोग कहते हैं कि उनका सबसे सेफेस्ट सीट है, नौकरी के एजेंडे ने उनको रोड पे ले आया है, समझ रहे हैं। जो सबसे सेफेस्ट सीट जो बोलते थे उसमें भी आके रोड शो करना पड़ रहा है, तो हम क्या कहते थे बार बार, चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे। तो हालत बहुत बुरी है भाजपा। आप तो जवान है लेकिन व्हील चेयर पर क्या कैसे बैठे, क्यों बैठे? गजब बात है, ये कोई सवाल है, इंजरी होती है ना, इंजरी होती है तो बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम फील्ड में है ना, अपना काम तो कर रहे हैं चाहे जिस हालत में हो। तीसरे चरण का चुनाव का प्रचार समापन हो गया, चुनाव समाप्त हो गए भाजपा के लोग यहाँ से, एनडीए खत्म है, हमने पहले भी बोला है। सुन भाई सुन, देश की धुन, इंडिया गठबंधन इज कमिंग ऑन 4th जून। तेजस्वी जी, आपने प्रधानमंत्री को बुजुर्ग कहा, जिस पर सत्ता पीर ज्यादा, पर सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा इधर। हमने तो लगभग 100 से ज़्यादा रैलियां कर ली, 107 पीएम ने कितना किया, और लगभग 125 रैली हम विधानसभा में किए थे, एक दिन में 19 रैली। खैर ये सब कंपेयर करने की बात नहीं है, स्टेमिना कितना है नहीं है, हम लंगड़े पैर में भी उनसे ज़्यादा तेज दौड़ लगे, बुला के दिखाई। तो अभी आपने तेजस्वी यादव को सुना है, उनका साफ साफ कहना है कि चुनावी मैदान में भाजपा पूरी तरीके से हार मान गई है और जनता हमेशा एनडीए के जितने भी वादे थे उसको अब नकार चुकी है, एनडीए के झूठे वादे को जनता समझ गई है, जनता पूरी तरीके से बदलाव के रूप में देख रही है और हम सब मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत नई सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे अब ना तो सत्ता संभल रही है ना ही उनसे अब चुनावी माहौल में कुछ होने वाला है, जैसा कि आपने सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं तेजस्वी यादव के इस बयान के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।